नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र इनकी 32 वर्ष। का सवाल था कि शादी कब होगी और आगे का जीवन कैसा रहेगा। मुझे इनके हाथ में जो कुछ भी दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखते हैं तो ये आपके हाथ में मुझे जीवन रेखा दिख रही है। आपके हाथ में जीवन रेखा ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात मुझे आपके हाथ में नहीं दिख रही है। जीवन रेखा अगर आपकी देखी जाए तो जीवन रेखा आपके हाथ में मुझे सही दिख रही है। जीवन रेखा अच्छी है, मजबूत है, तो जीवन शक्ति भरपूर रहेगी, इसमें कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो जीवन रेखा आपके हाथ में मुझे बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम और बहुत मजबूत अवस्था में दिख रही है। रोग मुक्त जीवन, संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन और अच्छा जीवन आपको देखने को मिलने वाला रहेगा। यदि आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क की रेखा देखी जाए तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा इस प्रकार चल गई और हल्की सी इस प्रकार आपके हाथ में घूम चुकी है। देखिए मस्तिष्क रेखा क्या शो करती है। आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की इस बात को दिखाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि से काम लेगा, अपने विवेक से काम लेगा, अपने ज्ञान से काम लेगा और जिनमें बड़ी बड़ी समस्याओं का हल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप निकाल लेंगे। तो इस तरह के ठीक ठाक और अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो मस्तिष्क आपके हाथ की बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर बातों को सीखने, सोचने और समझने की क्षमता बहुत अच्छी खासी रहेगी। बौद्धिक स्तर आपका मजबूत मजबूत रहेगा। आपसे चालाकी करना मुश्किल होगा और समस्या में आप कम पड़ेंगे। इस तरह के अच्छे खासे और ठीक ठाक योग आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो मस्तिष्क आपके हाथ में मुझे सबसे बढ़िया सबसे मजबूत दिख रही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात मुझे आपके हाथ में यहाँ पर नहीं दिख रही है। बाकी अगर देखा जाए तो देखिए मस्तिष्क का क्या दिखाएगी। ये दिखाएगी कि आप अपने जीवन में कितना सोचेंगे, कितना स्ट्रेस में आएंगे, क्या समस्याओं में आएंगे, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो मस्तिष्क का मुझे आपके हाथ में ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखी जाए तो हृदय रेखा भी बढ़िया है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा साफ साफ दिख रही है। ये जो नीचे की ओर रेखा होती है इसका मतलब साफ साफ यह देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आप समझ सकते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा करने वाले होते हैं। और देखिए इस बात का संकेत यह भी है कि जितना आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे उतना आपका भाग्य होने वाला रहेगा। यह चीज़ भी अपने जीवन में समझ सकते हैं। आपकी भाग्य की जो रेखाएँ हैं, जो भाग्य रेखा है, वो भी इसे सुधरना स्टार्ट हो जाएगी। और उसमें कोई दिक्कत परेशानी आगे आती है तो देखिए हृदय रेखा ओवरऑल आपके हाथ में मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही। आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। मस्तिष्क का भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हृदय रेखा देखिए यहाँ पर अगर पाएंगे, यहाँ पर आपके हाथ में ये अपसाइन, यहाँ पर ये रेखा नीचे की ओर आ रही है, तो समस्या तो है आपके हाथ में। हृदय रेखा अंतरात्मा, इंट्यूशंस और सेल्फ, जो व्यक्ति की सोल होती है, आत्मा होती है, उसकी कारक मानी जाती है। यहाँ पर अगर रेखा हो तो व्यक्ति को इमोशनल हर्ट होता है, यानी जब भी किसी पर जो ज़्यादा विश्वास करेंगे आपको इमोशनल हर्ट होने वाला रहेगा। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन इस बात को भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जब भी किसी को पैसा देंगे उस पैसे के लौट कर आने के संकेत बहुत कम होते हैं। बड़ा पैसा जब भी देंगे लौट कर शायद ना आ पाए, या फिर बहुत कम आए, या फिर वो किस्तों में आएगा जिससे उस पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी, या फिर बहुत समय बाद आता जिससे पैसे की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी किसी को बड़ा पैसा देंगे वो लौट कर या तो बहुत देर बाद आएगा या फिर बहुत समय बाद आएगा, जिससे आपके जीवन में आपको उससे नुकसान होगा। आप यह भी समझ सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से लाख दो लाख से ऊपर का पैसा देते हैं तो समस्या आती है। तीसरा नुकसान ये होता है कि व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्याएं भी देता है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा हो सकती है, चाहे मानसिक रूप में हो चाहे शारीरिक रूप में हो। बट शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का इसलिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का दिक्कत में बना रहता है। तो इस तरीके के योग भी आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आएंगे तो यहाँ पर यह अपसाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये पैसे के लेन देन में बड़ा धोखा या फिर किसी से भी रिश्तों में, जीवन साथी से, संतान से धोखाधड़ी के चांसेस बनाता है। देखिए मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपको बहुत बड़े बड़े धोखे मिलेंगे, बट हाँ सतर्क रहिएगा, ये आपका साइन अच्छा नहीं होता और बड़ी बड़ी स्वास्थ्य की समस्याएँ भी देता है, जैसे BP, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, मानसिक समस्याएँ ज़्यादा आ जाती हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, ये समस्या आपको जीवन रह। बाकी अगर आपके हाथ में यहाँ पर आपकी हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा में से एक रेखा निकलकर इस प्रकार नीचे की ओर जा रही है। जब हृदय रेखा में से ये रेखा निकलती है तो विष्णु सिंबल होता है, भगवान श्री श्री नारायण की भक्ति पूजा नाम जाप करके व्यक्ति का भाग्योदय काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत और काफ़ी बढ़िया होने वाला होता है। तो इस तरह के ठीक ठाक आप समझ सकते हैं। तो हृदय रेखा कहते हैं मुझे बढ़िया, बहुत अच्छी खासी दिख रही है। बाकी यहाँ पर आपके धनुषाकार रेखा दिख रही है, ये आपको समझदार बनाती है। समझदारी से जो भी निर्णय लेता है उन पर सफलता सिद्ध होती है। जैसे कि बहुत अच्छे खासे डिसीजन मेकर देखे गए हैं। और यदि आपकी भाग्य रेखा के बारे में बात करें तो भाग्य रेखा ये है
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जीवन रेखा अच्छी है, मस्तिष्क अच्छी है, बट भाग्य रेखा में उतनी मजबूती मुझे नहीं दिख रही है। आप देख पाएंगे, देखिए ये भाग्य रेखा है और बहुत हल्की है। भाग्य रेखा यहाँ पर बहुत हल्की है, इस प्रकार से यहाँ पर भी हल्की है, यहाँ पर बहुत मजबूत हुई है। आपकी जो भाग्य रेखा है उसमें मजबूती आई है, वो आई है लगभग आप समझ सकते हैं 33 से 36 के बीच। इसके अलावा भाग्य रेखा में ना आगे मजबूती है ना पीछे मजबूती है। तो देखिए ऐसा नहीं होता कि अगर ये अभी खराब है तो हमेशा ही खराब रहेगी, आपको इससे समस्या हमेशा जीवन में रहेंगी, ऐसा नहीं होता। जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं, जैसे व्यक्ति का जीवन रहता है, जैसे व्यक्ति के डिसीजन होते हैं, उसके आधार पर आपका जीवन चलता है एवं बदलता रहता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में जो निर्णय आज ले रहे हैं उसके बिहाफ पर ही आपका आने वाले फ्यूचर डिसाइड होगा, और आपके रिफॉर्म बड़े बड़े या छोटे छोटे बदलाव आएंगे। तो ये चीज़ रहेगी। तो मैं आपसे तो आपको बता सकता हूँ कि जो भाग्योदय है, जो भाग्योदय की स्थिति है वो अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको उपाय करने रहेंगे, तभी आपके जीवन में आपको सुख सफलता देखने को मिलने वाली रहेगी। तो इस तरह के अच्छे खासे और ठीक ठाक मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अंगूठे पर यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा है। यहाँ पर जब आड़ी रेखा होती है तो ये देखा जाता है कि व्यक्ति का नेचर फ्रेंडली होता है और मित्रतापूर्ण व्यवहार ऐसे व्यक्ति का देखा जाता है। सेकंड ब्रांच पर यहाँ पर आड़ी रेखा है, ये आपके जीवन में आपको लॉजिक सेंस बहुत अच्छा देती है, अपनी बात को तर्क वितर्क की शक्ति बहुत मजबूत देखी जाती है। इस तरह के ठीक ठाक हो आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये जो चारों फेलेंजेस हैं, ये चारों फेलेंजेस खुले हुए हैं। जब फेलेंजेस खुल जाते हैं तो इसका मतलब यह देखा जाता है कि कहीं ना कहीं आपका स्वभाव खर्चीला रह सकता है, खर्चा आपका ऐसा रह सकता है। इस तरह के योग हाथ में बन रहे हैं, जितना पैसा कमाएंगे उसमें ज्यादा आप बड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं। बाकी आपके हाथ की जो बाया रेखा होती है उन्हें भी देख लेते हैं, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, हस्त रेखा में यहाँ से बाह्य राशियाँ देखी जाती हैं, कौन सी राशि सही है, कौन सी राशि नीच की है, कौन से ग्रह में कौन सी राशि गोचर करके लाभ देगी। तो आपके हाथ में राशियाँ तो मेरे को ठीक ही दिख। बाकी उंगलियाँ अगर देखेंगे तो आपकी जो सूर्य की उंगली वो छोटी पड़ गई है। देखिए जब उंगली छोटी पड़ने लगती है तो ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर नहीं होते, रिस्क लेने से डरते हैं, जहाँ बड़ा रिस्क लेने वाली बात होती है वहाँ पीछे ही पीछे हट जाते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के अंदर ईगो की समस्या ज़्यादा होती है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से व्यक्ति नुकसान भी खाता है। थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं। और चौथा नेगेटिव पॉइंट और चौथा पॉइंट ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिम्मेदारी बहुत अच्छी, अगर अपनी जिम्मेदारी पेशा मिल गई होती तो भाग्य बहुत जल्दी बहुत अच्छा बहुत मजबूत होता। इस तरह के ठीक ठाक आपके हाथ में यहाँ पर देख पा। यदि आपके हाथ में यहाँ पर आपकी बुध रेखा देखें तो बुध रेखा आपके हाथ में बहुत छोटी पड़ गई है। देखिए बुध की उंगली छोटी पड़ने लगे, इसका मतलब आप साफ साफ ही समझ सकते हैं कि इस रेखा की वजह से आप डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में कच्चे रह सकते हैं। लीडरशिप स्किल्स और एक मैनेजर क्वालिटी में भी दिक्कत आ सकती है। इसके लिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपके हाथ में बुध की उंगली छोटी है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा नाम जप करना चाहिए, उससे लाभ मिलता है। और किन्नरों का आशीर्वाद अगर लेते हैं तो उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो ये दो कार्य कर लीजिए, आपको ये उंगली के जो दुष्प्रभाव है धीरे धीरे, इस उंगली के जो दुष्प्रभाव अगर आ भी रहे हैं तो वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। फिर आपको दिक्कत परेशानी किसी भी रूप में कैसे भी नहीं आने वाली रहेगी इन चीज़ों से। यहाँ पर सूर्य पर एक सीधी खड़ी सूर्य रेखा भी है। सूर्य रेखा आपको समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान देने वाली रहेगी। बट देखिए अगर आप चाहते हैं बड़ी सफलता मिले तो यहाँ पर एक मछली का चंद्रमा बहुत जरूरी है, या फिर कोई स्क्वायर ट्रायंगल बन जाए तो वो भी सफिशियंट होते हैं। लेकिन आपके हाथ में केवल एक सिंपल सीधी सी सूर्य रेखा है, तो इस सूर्य के प्रभाव और मजबूत हो जाए, यहाँ पर कुछ अच्छे से डेवलप हो, जिससे आपके जीवन में बड़ी तरक्की बड़ी सफलता मिले, तो उसके लिए मैं आपको सूर्यदेव की रेमेडीज दे दूंगा। वो रेमेडीज स्क्रीन पर बहुत लाभ मिलेगा। बेसिक रेमेडीज ये है, क्योंकि अगर व्यूअर देख रहा है, आप चाहते हैं सूर्यदेव मजबूत हो जाए, अपने पिताजी की सेवा कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने पिताजी की सेवा करेंगे उतना लाभ मिलेगा। आप ये भी समझ सकते हैं कि सुबह सुबह उठकर पिताजी के चरण स्पर्श करना और रात को सोने से पहले अपने पिताजी के पैर दबाना, उनकी आज्ञा का पालन करना और एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह व्यवहार करना, ऐसे अगर कार्य करते हैं तो सूर्यदेव अपने आप धीरे धीरे मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सूर्यदेव पिता से क्योंकि सूर्यदेव पिता से संबंध दिखाते हैं। बाकी शनि भी ठीक है, गुरु भी मेरे को ठीक ठाक दिख रहे हैं, बुध पर भी सीधी खड़ी रेखा, तो आपके हाथ में अच्छी व्यापार क्षमता रहेगी। बिजनेस सेंस आपके हाथ मुझे हाथ का बहुत ठीक ठाक मेरे को दिख रहा है। मंगल और चंद्र भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भारी मंगल, अंदरूनी मंगल ठीक है, शुक्र भी आपके हाथ मुझे ठीक। मनी ट्रायंगल अगर बनते बनते रह गया, ये देखिए अगर ये पूरा बन जाता तो बहुत अच्छा लाभ देने वाला होता। आप देख पा रहे हैं तो मनी ट्रायंगल आपके हाथ में थोड़ा बहुत दिक्कत में दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ये मनी ट्रायंगल अगर पूरा बन जाता तो बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले होते हैं। तो मैंने आपके पाम कॉन्सेस पूरा कर लिया है। आपके पाम के लाइट ये थी, आपका सवाल था कि शादी अरेंज होगी लव मैरिज होगी। आप देखिए आपके हाथ में लव मैरिज के कोई संकेत नहीं है। अगर शादी होगी तो अरेंज मैरिज ही होगी। एज आपने पूछा कब होगी,
आप मुझे बता देना अभी आपकी एज कितनी है, या फिर इसकी पार्टी के लिए पैसा भेज देना। आपको बता दूंगा कि आपकी शादी कब किस पर होने वाली रहेगी। अभी आपके हाथ में दिक्कत पता है कहाँ है? दिक्कत है बस भाग्य रेखा में, सूर्य पर्वत पर और हृदय रेखा, पर्सनल लाइफ डिस्टर्बेंस, हेल्थ इशूज, ये रेखा देने वाली रहेगी। तो इसके रिगार्डिंग उपाय आप लिख दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा आप हमें, हृदय रेखा, भाग्य रेखा और मनी ट्रायंगल पूरा बन जाए इसके उपाय, और यहाँ पर जो बंधन जो हल्का सा लगा हुआ है इसके उपाय दे दीजिए। आपको चारों उपाय डिटेल में पहुँचा देंगे। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई कोई सवाल ऐसा रह जाए जो हम नहीं बता पाए, हमसे पूछ लीजिए, आपके सारे डाउट सारी कोई सॉल्व कर देंगे, हम आपको एड एंड सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू जरूर से जरूर छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगे, हमारे एनालिसिस सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा वो भी बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और अपना उपाय देना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल जब मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।